कसरावत में फर्जी वोटरों को लेकर दोनों दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव की 3 बहनों की सूची में नाम होने की भाजपा के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसे भाजपा की साजिश बताया है। 2 दिन पूर्व कसरावत के भाजपा के पूर्व विधायक आत्माराम पटेल द्वारा लगाए गए आरोप पर कांग्रेस नेताओं ने आरोप को गलत बताते हुए कहा कि विगत 15 वर्षों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा नेताओं द्वारा अधिकारियों पर दबाव बनाकर साजिश पूर्वक श्री यादव के परिजनों के नाम कम नहीं होने दिए। कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्र में 20,000 से अधिक फर्जी मतदाता की बात कही तो भाजपा के पूर्व विधायक आत्माराम पटेल ने हमारे वरिष्ठ नेताओं पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हुए उनकी बहनों के नाम फर्जी तरीके से दर्ज होने के आरोप लगाए, जबकि यह नाम अधिकारियों ने भाजपा नेताओं के दबाव में नहीं काटे और अब प्रदेश की सत्ता के जाने के डर से हमारे वरिष्ठ नेताओं के बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कसरावत से सुधीर सराफ की रिपोर्ट। हमने आज राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचन आयोग को शिकायत करके ये जो 60 लाख मतदाता और कसरावत विधानसभा में 20,000 मतदाता फर्जी हैं, इनकी शिकायत की है। इस प्रकार से ये भी उनके नाम कम करवा सकते थे, लेकिन इनको नाम कम करवाना थे, इनने वास्तव में जानबूझकर उनके नाम कम नहीं होने दिए।